जय माता की। सब यात्रियों को मेरा प्रणाम। यहाँ के कुछ जो गड़बड़ आप देख रहे हैं उसमें कृपा करके आप शांति बनाए रखें, कानून हाथ में मत लें। ये आदेश ठाकुर साहब का है, उन्होंने अभी फोन करके मुझे बोला कि जाकर सबसे रिक्वेस्ट करें कि वो कानून को हाथ में न ले। कानून अपना काम कर रहा है, वो करेगा। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि माता का नाम बदनाम हो। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप शांति बनाए रखें और जहां जहां आपने डेरा रखा है आप वहां आराम से बैठ जाएं। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो उसके लिए आप पुलिस का पंद्रह बच्चे नीचे यहाँ से किए हैं। इसकी आंख फोड़ी, एक बच्चे को यहाँ से मांस ही निकाल दिया। और ये पुलिस ने किया है। और अभी हमारे भाई का सिर फाड़ दिया पूरा, यहाँ से दूर का पैर तोड़ दिया, थाने में लेके मीडिया वाले का सिर भी मेरे को हाथ बेटा। किसी एक या दो आदमी को जिनका दिमाग खराब हुआ हो उसके लिए आप पूरे फोर्स को मत, दो नहीं 15-20 आदमी ने। ठीक है, अभी फिर बात अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अफसर साहिबान से बात करता हूँ और इसका कोई हल निकालते हैं। मैं तो आर्मी लगा दो, आर्मी भी नहीं लगाते। हमें आर्मी चाहिए बस। मैं अभी बात करके फिर वापस आता हूँ और आपसे बात करता हूँ कि क्या बात हुई। लेकिन आप थोड़ी देर सब्र कर लीजिए और शांति बनाए रखिए, क्योंकि आप ये लोग जो शरारती तत्व है वो तो दूसरों पर इल्जाम लगाने पर ही खुला हुआ है। मेरे पास भी साहब आए थे तो वो कहते हैं कि जी मैंने उनको सुना, वो कहते हैं जी इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, तो जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे बच्चे जो भद्रवाह से नंगे पांव यहां तक पैदल चल के आ रहे हैं और उस धूप में लुक के ऊपर पांव जलाते हुए यहां आ रहे हैं, क्या वो यहां लड़ाई करने आए हैं? और जो इतने यात्री यहां आए हैं तो वो माता के पीछे यहां आए हुए हैं, ना कि किसी के घर के बुलाए हुए आए। तो माता खुद देख लेगी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को फिर वो देख लेगे थे वो आप। जय माता की बच्चे।